लीजिए सर चाय। भाई कोई हिलेगा तो खोपड़ी खुल जाएगी। चलो चलो चल चलो चलो चल चल चल। अरे भाई जसमेश चल गड्डी डिली करो। अरे सोच कर रहा है कर दे भाई नहीं तो बीवी बेवा हो जाएगी थारी। चल फटाफट कर निकाल। नमस्कार आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। किसी न किसी कारण से दिल्ली का नाम अखबार की सुर्खियां बनता रहता है। बैंक रॉबरी की यह वारदात भी सुर्खियां बटोरने वाली थी लेकिन इस जुर्म की जड़ें काफी गहरी थी। जो नजर आ रहा था उससे कहीं ज्यादा संगीन थी इस जुर्म की श्रृंखला। हाय रुचि बेटा। मम्मा आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरा रुचि पूछी। आपको पता है मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मान ही नहीं रहे कि आपका नाम न्यूज़पेपर में आता है। आज मैं ये न्यूज़पेपर स्कूल ले जाऊंगी, सबको बताऊंगी, टीचर को भी। ओके मेरा बच्चा। अच्छा मुझे बताओ आपने नाश्ता किया? नहीं मम्मा अभी नहीं किया। आप कब आओगी? आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मेरा बच्चा। मम्मा ना आपकी बर्थडे से पहले आ जाएगी, मम्मा प्रॉमिस। ओके मम्मा लव यू। लव यू टू बच्चा। मुझे दे। हाँ बेटा नाश्ता कर लिया क्या? माँ 5 बजे तो ऑफिस से आई हूँ। आपको पता है मैं अभी रुचि से यही पूछ रही थी कि उसने नाश्ता किया या नहीं। कैसा होता है ना, सब माएँ एक जैसी होती हैं, सब माओ का सवाल भी एक जैसा होता है। अच्छा बाबा सवाल नहीं पूछती लेकिन सलाह तो दे ही सकती हूँ ना। हाँ देख रचना बेटा ये नाम कमाने के चक्कर में ना तू दुश्मन मत बना लेना। छोटी मोटी खबरों तक तो ठीक था लेकिन तू अब जो कर रही है ना वो खतरनाक है। तुम्हारे सीनियर निशा को शौक होगा खतरों से खेलने का लेकिन उसके शौक के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालना, समझी? अरे अब उठ भी जा, कब तक सोती रहेगी? रात भर निशाचर की तरह घूमती रहती है। कितनी बार बोला कि अब ये करियर वरियर छोड़ो और शादी पे ध्यान दो, और इस बार मेरी बात नहीं मानी ना तो देख लेना। मम्मा क्या आप रोज रोज सुबह चालू हो जाती हो? फोन पे धमकियां कम आ रही थी क्या जब आप भी चालू हो गई? देख ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा मैं शादी कर लूंगी लेकिन शादी करने के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। अरे तो वो है ना तेरे ऑफिस में तेरे साथ जो काम करता है अभिषेक, उसमें क्या खराबी है? कर लो बाप, जब देखो फोन ही आते रहते। हाँ, अभिषेक 100 साल जियोगे तुम। एक्चुअली मेरे घर पे ना तुम्हारा ही मुद्दा छिड़ा हुआ है। मेरी तारीफ कर रही थी या बुराई? तारीफ और तुम्हारी भूल जाओ। एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरी मम्मी मुझे बार बार कन्विंस कर रही है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो बोलो करोगे मुझसे शादी? यार तुम ना सुबह सुबह मेरा दम मत निकाला करो यार। अच्छा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये लो अपनी होने वाली सासू माँ से ना खुद ही बात कर लो। अरे अरे मम्मा कहाँ जा रही हो, बात तो कर लो अपने होने वाले दामाद से। हाँ अभिषेक सो सॉरी यार, एक्चुअली क्या है ना मेरी मम्मा का ना रोज सुबह का यही गाना चालू रहता है, शादी कर ले शादी कर ले, इसलिए आज मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे न्यूज आर्टिकल का असर हो गया है, पुलिस ने कुरेशी को अरेस्ट कर लिया है, उसके यूनिट पर रेड करी और सारे के सारे बच्चों को छुड़ा लिया। अरे वाह अभिषेक
क्या न्यूज सुनाई है तुमने? बज गई ना बैंड उस कुरेशी की। हाँ बैंड तो बजाई थी तुमने। चलो ऑफिस में मिलते हैं। निशा और अभिषेक तुम दोनों इस बार इलेक्शंस कवर करोगे। पर सर फिर क्राइम कौन कवर करेगा? आई मीन कुरेशी जैसे काफी लोग हैं दिल्ली में। तुम्हारी असिस्टेंट रचना करेगी। आई थिंक वो अब से इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर सकती है। एंड आई एम प्रमोटिंग हर। हे कांग्रेचुलेशंस रचना। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। यू डिजर्व इट रचना। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं पर हाँ ट्रीट देने की जरूरत है। ओके रुचि पुची, मम्मा भी ना जल्दी 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 आ जाएगी। क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटी में? बहुत खुश है रुचि। पता है उसने अपने पूरे स्कूल में सबको न्यूज आर्टिकल दिखाया। निशा थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। अब इतना सेंटी मत हो, ये बता कि रुचि को दिल्ली कब लेके आ रही है? हाँ अब स्कूल्स में बात की है काफी, होपफुली नेक्स्ट अकेडमिक ईयर उसका यही होगा। वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी ट्रीट मत भूल जाना। वापस आने के बाद बहुत बड़ी ट्रीट दूंगी, इनफैक्ट पार्टी करेंगे। पर हाँ उससे पहले तुझे मेरी हेल्प करनी है। हाँ रुचि के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है और कल 12 बजे मेरी बस है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं एक शॉप जानती हूँ जो 24 घंटे खुली रहती है, ऑफिस के बाद जाते। ग्रेट। चुबे लोंडियो ज्यादा उड़ रही है क्या? पंख नहीं काटेंगे आपके, सीधा गर्दन कटेगी, समझ जा तू और समझा दे अपने असिस्टेंट ने भी। भौंकने वाले काटते नहीं, अगर हिम्मत है ना तो नाम बता। अरे तू टेंशन मत ले, ये सब तो चलता रहता है। देख हम ऑफिस के बाद जाएंगे, रुचि का गिफ्ट लेंगे, ठीक है? चल अभी मैं जाती हूँ। किसका फोन था? कुछ नहीं यार, बस वही हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट होने के पक्ष, बॉयफ्रेंड के नहीं बदमाशों के कॉल आते हैं मुझे, गालियों से भरे हुए। चलो बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय। अब वो 5 मिनट लगेंगे पेट्रोल भरा लूं क्या? नहीं हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, पहले हमें घर छोड़ दो उसके बाद जो करना है कर लेना। रिटर्न आने में मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा फिर, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये दिन भर से याद नहीं आ रहा था कि पेट्रोल डलवाना है? हाँ और अभी सर्विसिंग के लिए भी दी थी ना गाड़ी। याद था मुझे पर दिमाग से निकल गया पेट्रोल का, अभी अभी फटाफट भर लूंगा मैं। जो करना है ना जल्दी करो। मैंने ले लिया। ये ड्राइवर भी ना पेट्रोल के चक्कर में मेरी बस छुड़वा देगा। सर मेरा नाम अभिषेक है, निशा और रचना मेरी कलीग्स हैं सर। यही वो जगह है जहाँ पर हमारे ऑफिस का कैब ड्राइवर विष्णु रोज उन्हें ड्रॉप करता है। उनका घर पास में ही है सर। सर जैसे ही हमारे एडिटर विजय सर ने मुझे रचना को आए कॉल के बारे में बताया। हेलो रचना। अरे आप फोन मिला दिया साली ने। मैंने फौरन आपको बता दिया और यहाँ पर आ गया। विष्णु का नंबर दीजिए। तो रचना और निशा का यहाँ से कहीं और जाने का प्लान था? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि रचना की आज 12 बजे की बस, वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रही है बुलंदशहर। हम तीनों ऑफिस से साथ में निकले थे, फिर हमने रचना की बेटी के लिए गिफ्ट लिया
अरे विष्णु ने मुझे घर ड्रॉप किया और दिशा रचना को लेकर निकल गया। सर विष्णु का नंबर तो बंद आ रहा है, ये विष्णु कैसा आदमी है और आपके ऑफिस में कितने अरसे से काम कर रहा है? एक साल से सर, और एक महीना पहले उसकी वजह से हमारे ऑफिस में बवाल हुआ था। विष्णु ये जो रियर व्यू मिरर है ना, ये पीछे गाड़ियां देखने के लिए होता है, समझा ना? नहीं नहीं साहब, वो मैं पीछे देखने के लिए सेट कर रहा था। ओ गॉड इज ही ड्रंक? तूने पी रखी है ना? नहीं नहीं विष्णु निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। साहब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा मुझसे। साहब बोलो ना, मैं माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, एक चांस और दीजिए प्लीज। तो निशा ने उस वक्त तो माफ कर दिया विष्णु को, लेकिन हो सकता है विष्णु के मन में कहीं खटास रह गई और उस बेइज्जती का बदला उसने अब लिया। हो सकता है सर। सर लेकिन आप प्लीज निशा और रचना को जल्दी ढूंढ लीजिए सर, निशा की माँ का रो रो को बुरा हाल है, रचना की माँ को तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विशाल सर विष्णु का पता लगाओ। जी सर। सर प्रेस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हर टोल नाका और चेक पोस्ट पे भेज दिया है। सभी टोल नाका के सीसीटीवी स्कैन करो, बैरिकेडिंग करवाओ और हर गुजरने वाली गाड़ी को स्कैन करो। सर सर आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं है, वहाँ कॉर्नर पे एक पान वाले की दुकान है, उसने बताया कि सुबह उसके एक साथी ने लड़कियों की चीखने की आवाज़ सुनी थी पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ड्राइवर विष्णु गाड़ी को लेकर यहाँ तक तो आया था पर यहाँ आने के बाद उसका प्लान बदल गया। काम करो विष्णु रचना और निशा तीनों के फोन सर्विलेंस पर डालो। दूसरी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर 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 जिंदा है, हॉस्पिटल भेजवा जल्दी। सर सर एक आदमी सुबह यहाँ से गुजर रहा था, उसी ने डेड बॉडी को देखा और उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सर सर झाड़ियों में डॉल मिली। अभिषेक ने बताया था कि रचना ने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदी, हो सकता है ये वही हो। फोरेंसिक भेजो, हो सकता है किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाए। सर दो जाबाज महिला पत्रकारों के साथ हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया है। हमने आपको पहले भी बताया कि पुलिस के इस क्राइम सीन में पहुंचने के पहले ही एक पीड़िता की मौत हो गई, वहीं दूसरी पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पीड़िताओं के साथ पहले दुष्कर्म किया गया। महिला पत्रकारों के साथ हुई ये घिनौनी वारदात एक सबूत है पुलिस और प्रशासन के खिलाफ। ये मीडिया इस केस को बहुत उछालने वाला है, अब कमिश्नर साहब का दो बार फोन आ चुका है। ड्राइवर विष्णु मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर लॉकअप में चाहिए। सर कोई शामिल था तेरे साथ निशा और रचना को किडनैप करने में? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो दोनों साहब को उधर ही छोड़ा था जहाँ मैं हमेशा छोड़ता था। तो अपना मोबाइल बंद करके छुप कर क्यों बैठा था? छुप कर नहीं बैठा था साहब, मेरी छुट्टी थी आज तो उनको छोड़ने के बाद अपने दोस्त लोग के साथ पार्टी मना रहा था। अरे यार बैटरी भी अभी डेड होनी थी। आपका शक सही था, दोनों लड़कियों के साथ रेप हुआ है और निशा के गले के ऊपर जो निशान है उन्हें देखकर तो यही लगता है कि उसकी मौत गला घुटने से हुई है। और रचना कंडीशन क्रिटिकल है, हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है
उसके सिर पे गहरी चोटें आई हैं। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। सुनिए, माफ कीजिए, मैं जानता हूं ये सही समय नहीं है, पर रचना के बारे में हमें आपसे कुछ बात करनी है, कुछ जानकारी चाहिए। क्या आप बता सकती हैं कि रचना के साथ आपकी आखिरी बात कब हुई थी? रुचि पुची, गेस व्हाट, मम्मा आ रही है स्पेशली आपके लिए, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। रचना बेटा, वो एक बार रोहन से पूछ ले। रोहन नहीं आएगा, टाइम नहीं है ना उसके पास। रोहन रचना का पति है। हाँ, पर ये रिश्ता तो सिर्फ नाम का ही है, काफी समय से दोनों अलग रह रहे हैं। रोहन को रचना तो क्या, रुचि की भी कोई फिक्र नहीं है। रोहन और रचना के अलग होने की वजह क्या? कहीं घूमने चले? रचना, ओ, इसी मीटिंग की वजह से तुम अपनी बच्ची को स्कूल से नहीं ला पाए। रचना देखो, तुम गलत समझ रही हो, हमारे भी जैसा कुछ नहीं। बस अब मैं और रुचि एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। जहां जाती हो ना तुम, तो जाओ, लेकिन लौट कर वापस बताना। सच बोलने वाले रिपोर्टर को तो हमेशा खतरा रहता है सर। निशा ने रिसेंटली एक मीट पैकेजिंग यूनिट के ऊपर एक स्टोरी ब्रेक की थी, जहां पे दर्जनों बच्चों को इलीगली काम पे रखा गया था। ये लीड निशा को एक एनजीओ वर्कर दे ओझा ने दी थी। निशा की इस स्टोरी के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई, वहां पे रेड किया और वहां के सारे बच्चों को रेस्क्यू किया, और वहां के फैक्ट्री के मालिक करीम कुरैशी को भी अरेस्ट किया। करीम कुरैशी और ड्राइवर विष्णु, उसने एक बार निशा के साथ बदतमीजी की थी, बात आप तक भी पहुंची, लेकिन आपने उसे नौकरी से नहीं निकाला। सर गरीब आदमी है, पिछले एक साल से मेरे पास है, निशा ने भी जोर नहीं दिया, इसलिए मैंने पहली गलती समझकर उसको माफ कर दिया। और रचना ने जब आपको आखिरी बार कॉल की, वो कॉल महज 20 सेकंड की थी, फिर भी आपने रिकॉर्ड की, पूरी कॉल रिकॉर्ड की। क्या आपको पहले से अंदाजा था कि ये कॉल इतनी इंपॉर्टेंट? सर मैं एक न्यूज़पेपर चलाता हूँ, मुझे हर रोज धमकी आती है, हम जर्नलिस्ट हमारे सारे कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, और ये एक बेसिक चीज़ है हमारे प्रोफेशन में। तोड़ो इस विष्णु को, नहीं उगले तो हलक में उंगली डाल के उगलवा। सर सर सर, एक बात बतानी रह गई थी, निशा को पिछले 2-3 दिनों से एक प्राइवेट नंबर से धमकी के कॉल्स आ रहे थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी। हाँ मनीष, करीम से बात करने की परमिशन मिली? यस सर, अभी अभी दीवानपुर पुलिस स्टेशन शाहदरा से परमिशन मिला है। तुम शाहदरा पहुंचो, हम करीम से मिलते हैं। साहब, उन गरीब बच्चों को मेरे यहाँ पे काम करके 2 वक्त की रोटी मिलती थी, उनके माँ बाप खुद छोड़ के गए थे मेरे पास। उन लड़कियों ने जानबूझकर मुझे फंसाया और इसकी सजा अल्लाह ने उन्हें दे दी। सजा अल्लाह ने दी या तूने? और अब अपना सारा किया कराया ऊपर वाले पे डाल रहा। मैं क्या कर सकता हूँ साहब, मैं तो यहाँ जेल में हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं, आज नहीं तो कल जमानत हो ही जाएगी मेरी। जी हाँ सर, कुरैशी की वॉइस रिकॉर्डिंग की, उसकी आवाज़ धमकी वाले कॉल से मेल तो नहीं खा रही है, फिर भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक भेज दिया उसे, और उसके कॉल रिकॉर्ड भी निकलो, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, हो सकता है किसी हिस्ट्री शीट से करवाया। राइट सर। और सर, वो निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसका गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उसकी गला दबा की हत्या कर दी गई। रचना? सर रचना की रिपोर्ट के मुताबिक उसका रेप हुआ है, गैंग रेप नहीं। रचना की हेल्थ अपडेट क्या? स्टिल अनकॉन्शियस। दोनों लड़कियों को एक साथ किडनैप किया गया, जिसमें से निशा के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, रचना के साथ सिर्फ रेप। ऐसा क्यों? सर अब इस सवाल का जवाब या तो रचना दे सकती है या फिर वो क्रिमिनल्स। नहीं मनीष, अब सारे सवालों के जवाब हमें ही ढूंढने। रचना और निशा, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी लोग हैं सबसे बातचीत करो,
निशा के साथ जिस तरह से बेरहमी से गैंगरेप किया गया और उसका कत्ल किया गया और रचना की जो हालत है उससे तो यही लगता है कि इन दोनों के साथ किसी ने कोई गहरी दुश्मनी निकाली। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी कीमत निशा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? क्या निशा ही अपराधियों की असली टारगेट थी? क्या रचना की सिर्फ यही गलती थी कि वो निशा के साथ थी, या फिर इस वारदात का मकसद कुछ और ही था? एक बात बता, कि गार्ड ने गोली मारी या तो बात मारी समझ में आ गई, लेकिन वो चाय वाले ने क्यों मार दिया? अरे मारे पैर पे चाय गिरा दी थी बाबरी बूच ने, पैर गंदा कर दिया था हमारा, मार दिया। हेलो, अरे कांड खोल के सुन लो सब, अपने अपने फोन के सिम निकाल के फेंक दो, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना है हमें। सर मेरे परिवार में कोई भी लड़की नौकरी नहीं करती है, लेकिन रचना को मेरे परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था, उसे तो बस अपनी फ्रीडम भी आ रही थी। मेरी जो उसकी सहेली है निशा, वो उसे चढ़ाती रहती है, ये चढ़ती रहती है। मैंने कुछ कह दिया तो बेटी को लेकर मायके जाके बैठ गई। तो आप कहना चाहते हैं कि रचना को फ्रीडम चाहिए थी इसलिए वो अलग होना चाहती थी, बट फ्रॉम योर साइड It was perfectly all right. हमारे बीच म्यूचुअली डिसाइड हुआ था कि अलग होने के बाद हम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकते हैं। अलग होने के बाद? लेकिन आपका तो रचना से डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी आपने एंगेजमेंट कर ली, और कानूनी तौर पर वो अभी भी आपकी बीवी है। इतना बड़ा हादसा हुआ, आपने कोई खबर नहीं ली? मैं खबर क्यों लेता सर, रचना और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। रही बात तलाक की, तो हाँ मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन रचना बहुत बड़ी लालची औरत निकली। एलिमोनी पे उसने 20 लाख रुपए मांग लिए मुझसे। सर इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाके देता? इसलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि झंझट खत्म हो जाए। सर मैंने नहीं मारा उसको, मैं क्यों मारूंगा उसे? जिस वक्त रचना और निशा पर हमला हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपने घर था सर, बुलंदशहर में। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से तुम उस दिन दिल्ली में थे। सर एक्चुअली मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे पास कई ट्रक्स और टेम्पोज हैं, कई शहरों में मेरे ऑफिस हैं, दिल्ली में भी है सर, तो शायद उस दिन मैं वहीं रहा होऊंगा। सॉरी सर, दिमाग से निकल गया था। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे। मैं जा सकता हूँ सर? ये अभी पूरा सच नहीं बोल रहा, नजर रखो इस पे। एक बात कान खोल के सुन लो, मारी संतान आने से पहले मारे को सोने के कंगन चाहिए। भाई साहब दूं मैं। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर, विष्णु और उसके दोस्तों के वॉइस सैंपल्स किडनैपर से मैच नहीं हुआ। विष्णु ने कुछ और बताया? विष्णु का कहना है कि सर जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन निशा और रचना अपनी डेली रूट से घर नहीं गई थी, काफी घूमी थी, वो सनशाइन एनक्लेव वाला रास्ता लिया था। यहाँ पे नवदेश न्यूज़ का ऑफिस है, नवदेश न्यूज़ से एक गाड़ी निशा रचना और अभिषेक को लेकर इस तरफ निकलती है, एकता नगर लोटस मार्टिन, लोटस मार्टिन से गाड़ी पहुँचती है गुप्ता कॉलोनी, जहाँ पे गाड़ी अभिषेक को ड्रॉप करती है। अभिषेक को ड्रॉप करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है झांझर नगर, फिर आदिलबाग, और आदिलबाग होते हुए गाड़ी फाइनली पहुँचती है व्यास चौक। निशा और रचना दोनों लड़कियाँ ड्रॉप होती हैं और इसी पॉइंट से दोनों लड़कियाँ किडनैप होती हैं। फिर यहाँ से 6 किलोमीटर आगे ईस्ट में निर्मल बाग, और निर्मल बाग में फाइनली दोनों लड़कियाँ यहाँ मिलती। लेकिन सर हमने सारे रूट की स्पीड भी चेक किया, ऐसा कोई भी व्हीकल स्पॉट नहीं हुआ जो उनका पीछा कर रहा हो। हो सकता है कि किडनैपर्स पहले से ही ड्रॉपिंग पॉइंट पर उनका इंतजार कर रहे हो, या फिर इस पूरे रूट में CCTV कहाँ कहाँ पर है ये पहले से स्टडी कर रखा होगा। तो किडनैपर्स ने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी होगी, और प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई।
नवदेश न्यूज से सनशाइन एंक्लेव वाले रूट के सीसीटीवी एक बार फिर से स्कैन करो। अगर कोई गाड़ी आधे रूट तक भी फॉलो कर रही है उस गाड़ी की डिटेल निकालो। आई एम श्योर ब्रेक थ्रू इसी रूट में कहीं पर। और एक बात सर, ये कुरैशी के कॉलिकॉर्ड से स्कैन किए, क्लीन है। कुरैशी की कंपनी की निशा को टिप किसने दी थी? देव जाने थे, एनजीओ चला था। जो आदमी छोटे छोटे बच्चों से जानवरों की तरह काम करवाता हो वो कुछ भी कर सकता है। वो जेल में है तो क्या हुआ? उसका एक खास आदमी समीर अब तक फरार है। रेड के दिन वो पुलिस के हाथों से भाग निकला था। हेलो सर, लगता है समीर खान अंडरग्राउंड हो गया है। अपने खबियों को काम पे लगाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। निशा को जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे उनसे कुछ पता चला? इंटरनेट कॉलिंग थी सर, इसलिए ट्रेस नहीं हो पाया। लेकिन सर, किडनैपर्स के कॉल में जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी उस तरह का लहजा बेवर रीजन में इस्तेमाल किया जाता है, और ये समीर खान वहीं का रहने वाला है। ये समीर खान इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है। व्यवहार पुलिस से समीर खान की डिटेल शेयर करो। खींच निकालो इस चूहे को बाहर। सर, रचना को होश आया। रचना जी, आपका किसने हमला किया था? चार लोग थे सर, अचानक पीछे से आए और घसीट कर ले गए थे सर। फिर हेलो रचना, अरे आप फोन मिला दिया थारी ने। फोन की वजह से लोग डर गए थे, जो निशा के साथ रेप कर रहे थे उन्होंने आंखों के सामने उन्होंने निशा का गला घोट कर मार डाला और उसे चलती गाड़ी से भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। मैंने उनमें से एक के हाथ पर काटा, खुद ही चलती गाड़ी से कूद गई। बस नहीं याद है मुझे उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। आपको उन चारों के चेहरे याद है? क्यों उनमें से किसी का भी चेहरा याद? स्केच बनवा सकते हैं? नहीं सर, बहुत अंधेरा था और उसके चेहरे पर मास्क था। अच्छा, आपस में बातचीत करते वक्त उन्होंने कोई नाम लिया हो, कुछ याद है आपको? रचना जी, हमारे लिए छोटी सी छोटी डिटेल भी बहुत अहम है, याद करने की कोशिश कीजिए। कौन सी गाड़ी से आए थे? टेम्पो था, छोटा टेम्पो, और टेम्पो के पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। क्या नंबर थे? 3-6-3-6-6 हाँ, ये आखिरी के डिजिट्स थे। शायद मोबाइल नंबर होगा। और कोई नंबर याद है आपको या कुछ भी? रचना जी, आपको किसी पर शक है? आपने जो कॉल अपने एडिटर विजय को किया था वो रिकॉर्ड हो गया है, आप उसको सुन लीजिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। सभी लोग मेरे साथ बाहर आइए। रचना अभी भी ट्रोमा में है। अगर रचना से हादसे के बारे में ज्यादा बात की जाए तो उसे पैनिक अटैक आ सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिन रुके। लेट हर रिकवर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम नहीं चाहते कि आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ हो, लेकिन अगर रचना कुछ भी बताए या उसे कुछ भी याद आए तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए। मनीष सर, एरिया के जितने भी टेम्पो वाले हैं सबको राउंड ऑफ करो। देखो, ये 5 डिजिट किसके मोबाइल के, और बदरपुर इलाके में क्राइम वाले दिन की जितनी भी फुटेज है उसे दोबारा स्कैन करो। ये टेम्पो उसमें ज़रूर मिलेगा। ये बिश्नू और कुरैशी, इनके कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन करते हैं, हो सकता है ये नंबर उनसे जुड़ा हो। RTS यानी रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, ये एक मानसिक स्थिति है जिसका रेप विक्टिम पर काफी समय तक असर रहता है, और रचना भी इसी ट्रॉमा से जूझ रही थी। इतना ही नहीं, रचना ने अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त निशा को मरते हुए भी देखा था। रचना की मानसिक स्थिति काफी नाजुक थी। एक रेप विक्टिम के लिए रेप इंसिडेंट को बार बार याद करना काफी तकलीफदेह होता है,
ये रचना की हिम्मत थी जो ऐसी हालत में भी वो पुलिस को एक नंबर का क्लू दे पाई। लेकिन पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां थी। ये देखना अभी बाकी था कि ये 5 नंबर्स पुलिस को इस केस में कहां तक ले जाने वाले थे। सर, सर मैंने सारे सस्पेक्ट और इस केस से जुड़े सभी लोगों की सीडीआर चेक की, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे लास्ट में ये 5 डिजिट हो, 36366। सर मुझे भी ऐसा कोई टेम्पो नहीं मिला जिस पे ये लिखे हो 36366। किसी भी टेम्पो पर नॉर्मली किसका नंबर लिखा होता है? मोस्टली तो ओनर का ही होता है सर। सर कभी कभी टेम्पो पे ओनर के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर होता है। हम लोग मोबाइल नंबर ढूंढ रहे हैं, शायद लैंडलाइन नंबर हो। एग्जैक्टली। अभी हमें इतना तो पता है कि ये क्रिमिनल जो भी है वो व्यवहार रीजन में कहीं से है। तीनों जिलों के एसटीडी कोड निकालो, उन एसटीडी कोड के साथ ये 5 डिजिट मिला के डायल करो। अगर ये किसी का लैंडलाइन नंबर है तो कहीं ना कहीं घंटी जरूर बजेगी। अच्छा बैठ जा। देखो भाई, 2 दिन में निकलना है हमें, सब लोग तैयार रहना। मारी बात मानो तो ये सुपारी वाला काम ठीक ना है, और चोरी चकारी लूटपाट ठीक है अपने लिए। अरे मेहंदी हट रही है थारी है? तू ना एक काम कर, तू ना जनानियों में रह भाई, ठीक है थारे लिए। ये चोरी चकारी तेरे बस का काम ना है। पिकअप वैन पहुंच रही है, मेरे फोन का इंतजार करना। क्या हुआ नानी, क्या है न्यूज़पेपर में? मम्मी का नाम है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। हाँ बल्ली बोल। अच्छा ठीक है, नजर रखो उस पर। सर समीर खान का पता चल गया, उठाओ उसे। सर सब 36366 सब एक इसका नंबर है, मुझे नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ किया नहीं तो चुप क्यों रहा था? कुरेशी भाईजान के अरेस्ट के बाद पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी साहब, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के चक्कर में साहब। मैं कुरेशी भाई को बच्चे लाकर देता था इसलिए मैं छिप गया साहब, पर साहब उन लड़कियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। तेरा लेना देना है या नहीं ये भी पता चल जाएगा, समझ? सब निशा को मैं धमकाया था सब, पर मैंने कुछ नहीं किया था। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन भी तूने निशा को फोन किया? जी साहब। टुकड़ों टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे रहा, मारो साले। टुकड़े टुकड़े में समीर का वो सैंपल किडनैपर के वो सैंपल से मैच करने के लिए भेजो, और फिंगरप्रिंट्स भी, शायद उस डॉल पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वे से मैच हो जाए। ये सब क्या लिखा है आपके बारे में? इनमें से 2 लैंडलाइन नंबर चालू हैं, एक नंबर डॉक्टर पुजारी का है और दूसरा जमाल शेख का है जो मवेशियों का व्यापारी है। उठाओ इस जमाल शेख को, हो सकता है समीर ने इसे इसके टेम्पो को हायर किया। सर जी 2 गड्डी है हमारे पास, दोनों ने ना आज तक हरियाणा बॉर्डर क्रॉस ना किया, कोई काम ही नहीं पड़ता। तेरे बाप ने तो ये 3 टेम्पो दिए थे विरासत में, भूल गया क्या? ये देख, ये रहे उन तीनों के नंबर, 2 यहाँ पे हैं, तीसरा कहाँ है? ओ हाँ साहब जी, ये तीसरी गड्डी 3 साल पहले मेरा छोटा भाई कासिम ले गया था, तब से मैंने ना देखी। कहाँ है कासिम? बोल। सर गांव वालों ने कंफर्म किया है कि कासिम पिछले कई सालों से गांव में नहीं आया, पता लगा इस कासिम को।
दिल्ली और व्यवहार में हर जगह इसकी फोटो सर्कुलेट करो। अपने खबरियों को एक्टिव करो। मुझे लगता है समीर के साथ इस कासिम का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कासिम का और रोहन का आपस में कोई कनेक्शन हो? कासिम ने अपने भाई से कहा था कि वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेगा और इस रोहन का भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हो सकता है। रोहन के ऑफिस वाले से बात करो, पता करो क्या वहाँ पे कोई कासिम नाम का ड्राइवर था, और नो पुलिस से कासिम की डिटेल शेयर करो। ओके सर। समीर के वॉइस सैंपल्स तो किडनैपर के बेवारी एक्सेंट से कुछ हद तक मैच करते हैं, लेकिन डॉल पर मिले फिंगरप्रिंट्स समीर के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। हो सकता है समीर ने कासिम को सुपारी दी। समीर और कासिम के बीच में कोई कनेक्शन? जी नहीं सर, समीर हातिम जिले का रहने वाला है और कासिम नू का। हम घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए, जीरो पे। सर, सर साउथ दिल्ली में एक रेप केस दर्ज हुआ, बीपीओ लड़की का। लड़की को पहले टेम्पो से किडनैप किया गया, उसके बाद उसका रेप करके उसे बाहर फेंक दिया गया, सेम निशा और रचना के केस की तरह। टेम्पो वाले का पता चला? नहीं सर। सर लेकिन एक लीड मिली है, जिस दिन बीपीओ एम्प्लॉय का रेप हुआ उस दिन उसी एरिया में एक रॉबरी हुई, और आई विटनेस ने बताया कि रॉबर्ट टेम्पो से आए। जिस दिन रचना और निशा को किडनैप किया गया उस दिन उस एरिया में कोई रॉबरी हुई थी? नहीं सर, लेकिन रचना ने जिस एरिया से डॉल खरीदी थी उस एरिया में एक रॉबरी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन फेल हो गई क्योंकि आसपास के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो वो लोग भाग गए, वो भी एक टेम्पो से। मतलब ये गैंग पहले रॉबरी करता है और फिर ली हुई सवारी को अंजाम देता है। नो पुलिस से ऐसे गैंग की और डिटेल पता करो। सर बड़े शातिर हैं बेवारी गैंग वाले, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए। कैसे? सर जुविनल होम से बच्चे हायर करते हैं, उन्हें अपना लाइनर बनाते हैं और यही बच्चे उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब कहां माल मिलेगा। मुझे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास के जुविनल होम्स के एक्टिव लाइनर्स की डिटेल चाहिए। जी सर। हमारे यहां 4 बच्चे बेवारी गैंग से, जिसमें से 3 तो अभी सेंटर पे हैं मगर एक अपने गाँव गया हुआ है, उसके माँ बाप ने अपनी गारंटी में उसकी कस्टडी ली है। उस बच्चे की डिटेल मुझे मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। ये देखिए, ये वाला है। रघु नाम है ना तुम्हारा? डरो मत, तुम मुझे जो भी बताओगे वो हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चले, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। सर बैंक में सर कब कितनी सिक्योरिटी होती है, कब बैंक में लोग कम होते हैं, ये सब पता करना मेरा काम था सर। मैं ही उन्हें जानकारी देता और वो चोरी करते, लेकिन सर वो रेप और मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कुछ नहीं जानता सर उसके बारे में। हमें पता है कि तुम उस सब में शामिल नहीं हो, तुम एक काम करो, जितने भी लोग थे ना उन सब के नाम यहाँ पे लिखो और उनके बारे में जो भी जानते हो वो सब। साहब रघु हमारे लिए खबरें लाने का काम करता था, उसी की मदद से हमने मदरपुर और उसके आसपास सारी चोरियां करी थी। हेलो भगवान दादा, माल उतर गया है और बैंक में भीड़ भी कम है, आप लोग आ जाओ। और सच बोल। सच कह रहे साहब, हमने चोरियां करी हैं लेकिन किसी की इज्जत ना लूटी। ऐसे सच नहीं बोलोगे और तब ना सालों का। अरे साहब 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 क्या साहब, आप झूठे कैसे बजा रहे हो? हमारे खिलाफ कोई सबूत ना है आपके पास? सबूत चाहिए? सबूत चाहिए तो सुन, जिन 2 लड़कियों को तुम लोगों ने उठाया था ना, उनमें से एक लड़की बच गई है, उस लड़की ने तुम्हारे टेम्पो को पहचान लिया है। 3-6-3-6-6 और टेम्पो के पीछे जो नंबर लिखा था उससे हम पहुंचे जमाल तक, और जमाल ने बताया कि वो टेम्पो उसके भाई का है, कासिम का। कासिम कौन? ये निशा और रचना की सुपारी किसने दी थी? समीर ने, रोहन ने या किसी और ने? साले मेहंदी, एक काम ढंग से ना होता थारे से, साले मेहंदी लगा के ना घर पे बैठ जा, ये चोरी चकारी ना थारे मतबल का काम ना है। गलती हो गई भाई, माफ कर दे। साले थारे गलती के चक्कर में ना पकड़े जाते आज। चुप हो जा भाई,
लूट नाकाम के हो गई, लड़न लग रहे आपस में, चल बट। छोरियां कहाँ जा रही भाई? गुस्सा निकालना है तो इनको निकाल ले। क्या भाई साहब, ये सब काम हम थोड़ी ना करें, बवाड मचेगा, फंस जाएंगे। ये भी कौन फंसावेगा हमें, चल लगा ले वैन के पाछे। धन का सुख तो मिला ना, धन का सुख ही ले लेते हैं। शराब के नशे में हमने दोनों छोरियों को उठाया था, उन्हें मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था साहब, सोचा था थोड़ी मजे मजे करके छोड़ देंगे। वो क्या हुआ कि एक लड़की ने किसी को फोन मिला दिया तो हम सब डर गए थे, इसीलिए उसको मारना पड़ा। अरे आप फोन मिला दिया साली ने, गला बता, गला इसका, अब मार के फेंक इसको। सुपारी उपारी ना किसी दी हमको साहब, हम तो हमेशा की तरह चोरी करने निकले थे, बस उस दिन किसी ने शोर मचा दिया तो भागना पड़ा हमको। दूसरी बार हमारी डकैती फेल हुई थी तो हम लोग बहुत चिढ़े हुए थे, इसलिए साहब इसके पहले हमने कभी किसी चोरी को खराब ना किया, पहली बार हुआ ऐसा। तो और वो बीपीओ वाली लड़के साहब, हौसला बढ़ गया था हमारा, पैसे और चोरियों दोनों के मजे लेने थे हम सबको, इसलिए हमें ना लगा था कि कभी पुलिस हमको पकड़ पाएगी। मैं सोचा था कि इसी तरह पैसे लूटेंगे और छोरियां उठाएंगे, मजे करेंगे। तुम लोगों को एहसास है, तुम लोगों के पल भर के मजे ने किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मजे करोगे तुम लोग? रचना और निशा के गुनहगार इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं। रचना के शारीरिक घाव तो भर चुके हैं, लेकिन उसके मन पर लगे घावों को भरने में अभी और वक्त लगेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर उस दिन निशा और रचना रुचि के लिए गिफ्ट लेने ना जाती तो शायद बच जाती, अगर उनकी प्रेस वैन पेट्रोल स्टेशन पर ना रुकती तो वो बच जाती, लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर निशा और रचना वहां पर ना होती तो शायद उनकी जगह कोई और लड़की उस गैंग की हवस का शिकार बनती। जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें औरतें किसी भी वक्त कहीं पर भी आ जा सके और बेखौफ अपना काम कर सके, और ऐसे सुरक्षित वातावरण को तैयार करने की जिम्मेदारी पुलिस और समाज दोनों की है। एक सभ्य समाज की बुनियाद इसी से मजबूत होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।